नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। अग्निशमन केंद्र के अधिकारी ने पटाखों की दुकान का किया निरीक्षण, जांच के बाद कलेक्टर को भेजेंगे रिपोर्ट। छोटी गली में नहीं लगेगी दुकानें। दीपावली से पहले स्थायी रूप से लगने वाले दुकानदारों ने पटाखों की दुकान लगाना शुरू कर दी है और आज उसी का निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर के आदेश के बाद अग्निशमन केंद्र के अधिकारी पटाखों की दुकानों का निरीक्षण करने पहुंचे। चापरकलौटा थाने क्षेत्र की सभी दुकानों पर निरीक्षण किया गया। वहीं अधिकारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि जहां पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाएगी वहां पर दुकान नहीं लगने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड छोटी गलियों में नहीं पहुंच पाती। इस वजह से हादसा बड़ा हो सकता है और उस पर काबू पाने में असमर्थ रहते हैं। इस वजह से दुकानों का निरीक्षण कर कलेक्टर को रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके अंदर के जो कहाँ जहाँ फायर ब्रिगेड गाड़ी आसानी से पहुंच सकती है और कहाँ पर वायरिंग वगैरह ऊपर है वो, ताकि दोनों चीज़ों पर जानकारी दे सके, क्योंकि अक्सर दिवाली पे जब गाड़ियाँ नहीं पहुंच सकती तो हादसे की गुंजाइश ज़्यादा होती है। तो हम इंडिविजुअल हर क्षेत्र में, खासतौर से कलेक्टर क्षेत्र में जो है वो हम, मैं और हमारे फायर सर है गौरव जी, दोनों जाँच कर रहे हैं और अभी तक हमने पाया कि सब कुछ ठीक है। दुकान है, दो तीन दुकानें और देखेंगे, उसकी और आगे रिपोर्ट भेजेंगे कल साहब को, अगर वो सूटेबल होगा तो दे देंगे वरना कैंसिल करेंगे। केंद्रीय कारागृह भ्रष्टाचार मामले में एसीबी ने न्यायालय में पेश की चार्जशीट। 13 गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप किया प्रस्तुत। आज भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो स्पेशल यूनिट अजमेर द्वारा केंद्रीय कारागृह अजमेर में व्याप्त भ्रष्टाचार संबंधित दर्ज प्रकरण संख्या में आरोप पत्र विशिष्ट न्यायाधीश सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अजमेर में प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय कारागृह अजमेर में व्याप्त भ्रष्टाचार में प्रस्तुत आरोप पत्र में 13 गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगणों के विरुद्ध आरोप प्रस्तुत किया गया। गिरफ्तार शुदा में 5 जेल के अधिकारी कर्मचारीगण, सजायाप्त अभियुक्त एवं 5 प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगणों के नाम जसवंत सिंह जेलर, केसाराम जेल प्रभारी, संजय सिंह जेल प्रभारी प्रधान, पना जेल प्रभारी, अरुण चौहान जेल प्रभारी। सजायाप्त अभियुक्तगणों के दीपक उर्फ सन्नी, शैतान सिंह, रामेश्वर उर्फ रमेश। प्राइवेट अभियुक्तों में सागर तेजी, प्रवेश उर्फ गोलू, सीताराम जाट, राजेंद्र चौधरी, अनिल सिंह तथा प्रकरण में 13 अभियुक्त गणों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 173 सीआरपीसी में अनुसंधान पेंडिंग रखा गया है। नीलम चौधरी तत्कालीन अधीक्षक केंद्रीय कारागृह में कर्मचारी गण कालूराम हेमराज आचार्य, कैलाश रामराज विनोद, प्राइवेट व्यक्तियों में गोविंद सिंह, राधेश्याम त्रिलोक, जीताराम महेंद्र, ईश्वर सिंह, शैलेंद्र सिंह अन्य के विरुद्ध अनुसंधान जारी है। प्रकरण में केंद्रीय कारागृह अजमेर में बंद सजाए जेल में सुविधा शुल्क उपलब्ध कराने के नाम पर बंदियों के परिजनों से डरा धमका कर वसूली की गई रकम बैंक स्टेटमेंट अनुसार 33,44,000 अब तक ज्ञात हुई है। इस पर अनुसंधान जारी है। प्रकरण में आज 17/10/2019 को करीब 3,000 पुष्टि की मूल चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की गई है तथा गिरफ्तार शुदा मुलजिमों को दी जाने वाली चार्जशीट की प्रतियों सहित करीबन 52,000 पुष्टियों की चार्जशीट तैयार की गई, जो न्यायालय द्वारा चेक अवधि में रखकर दिनांक 22/10/2019 नियत को की जाएगी। क्या मामला था जी सर? जी सर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट अजमेर द्वारा आज जेल में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित दर्ज प्रकरण संख्या 201/2019 में आज माननीय न्यायालय में पूर्व में गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इसमें अब तक 13 गिरफ्तार शुदा आरोपी गणों के विरुद्ध चालान पेश किया गया है और 13 ही अभियुक्त अभी उनके विरुद्ध 173(8) सीआरपीसी के तहत आरोप पत्र लंबित रखा गया है। इनके विरुद्ध अभी अनुसंधान जारी है। इसमें एसीबी द्वारा जो 13 अभियुक्त गणों के विरुद्ध जो चालान पेश किया गया है, इसमें करीब 52,000 प्रश्नों की चार्जशीट तैयार की गई है और मूल चार्जशीट आज माननीय न्यायालय में पेश की गई है, जिसमें 22/10 तक का चेक अवधि में रखा गया है और इसके बाद में संबंधित और भी डिटेल आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 13 अभियुक्त गणों के विरुद्ध जिनमें चालान पेंडिंग रखा गया है और उनके खिलाफ अनुसंधान लंबित है, उनमें केंद्रीय कारागृह के जो तत्कालीन सुप्रिटेंडेंट श्रीमती नीलम चौधरी और अन्य कर्मचारी गण में कालूराम हेमराज आचार्य, कैलाश रामराज विनोद और प्राइवेट व्यक्ति है जिनमें जिनके विरुद्ध अनुसंधान पेंडिंग है, रविंदर सिंह, राधेश्याम चौधरी, त्रिलोक, जीतराम महेंद्र, ईश्वर सिंह, शैलेंद्र सिंह और अन्य, मतलब अभी भी 13 अभियुक्त गणों के विरुद्ध अनुसंधान लंबित है। और इस पूरे प्रकरण में जो सजायाफ्ता बंदी थे शैतान सिंह और दीपक उप सनी,
ये अपने परिजनों और अपने जो जानकार जो प्राइवेट व्यक्तियों को इस वसूली के खेल में जो शामिल किया गया था, इसमें करीब करीब जो अब तक स्टेटमेंट प्राप्त हुए बैंकों से, उसमें करीब करीब 33,44,000 रुपए की राशि इनके खातों में ट्रांजेक्शन हुई है। और ये ट्रांजेक्शन जो अवैध रूप से इनके बंदियों के परिजनों से डरा धमका कर सुविधा शुल्क उपलब्ध कराने के नाम पर, प्रतिबंधित सामग्री अंदर प्रोवाइड कराने के नाम पर हुई है। इस संबंध में कई खातों की अभी भी डिटेल सेस है और जो 13 अभियुक्तगण जो अभी पेंडिंग है इनके खातों की भी डिटेल की और जांच की जा रही है। और इसमें अन्य अनुसंधान भी पेंडिंग है और जो जो अनुसंधान में जो तथ्य उजागर होंगे उसके आधार पर अनुसंधान करके कार्रवाई की जाएगी। चार्जशीट अब तक की सबसे बड़ी होगी? हाँ, 52,000 पेज की तो अब तक हो चुकी है और अब जब 13 मुलजिम और होंगे तो आप इसमें और ज्यादा ये इंक्लूड कर लीजिए, 52,000 की और करीब 1,00,000 से ज्यादा प्रश्नों की चार्जशीट प्रस्तुत की जाएगी। पान की दुकान में 1,25,000 की चोरी। पान की दुकान से चोरों ने बीड़ी, सिगरेट समेत कैश पर किया हाथ साफ। कल देर रात छात्र चोरों ने ईडीए के सामने स्थित रामस्वरूप पान की दुकान पर धावा बोलते हुए दुकान से 1,25,000 का माल साफ कर दिया। दुकान मालिक ने बताया कि बीड़ी, सिगरेट समेत चोरों ने कई अन्य चीजों पर हाथ साफ किया और 5,000 कैश भी गायब किया। वहीं जब सुबह दुकान मालिक ने आकर देखा तो दुकान के ताले टूटे मिले और दुकान से माल साफ मिला, जिसको लेकर दुकान मालिक ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मौका मुआयना कर तफ्तीश शुरू कर दी है। जी सर, कब की वारदात है और क्या हुआ था? कल रात के अंदर की बात है। ये ईडी के सामने है, रामस्वरूप पान भंडार के नाम से मेरी शॉप है, मेरा नाम अनिल है। कल रात को हुआ है, 11:30 बजे तक तो था यहाँ पे, एट प्रेजेंट भतीजा आया था मेरा, उस समय तक सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद के अंदर में फिर ये हुआ काम। लगभग क्या क्या ले गए? लगभग सिगरेट और बीड़िया ले गए भैया, बिस्किट वगैरह ले गए, कैश भी था भैया। लगभग कितने का माल है? माल तो करीबन 1.25 के समथिंग का माल है और 5,000 रुपये नकद है। रामनगर डिस्पेंसरी पर चिकित्सक न होने की वजह से हो रही है परेशानी। कांग्रेसजनों ने सीएमएचओ के सोनी को सौंपा ज्ञापन। सीएमएचओ ने परेशानी का समाधान करने का दिया आश्वासन। विगत 20 दिनों से रामनगर डिस्पेंसरी से चिकित्सक का ट्रांसफर होने की वजह से वहां पर कोई भी चिकित्सक की ड्यूटी नहीं लग रही है, जिसकी वजह से रामनगर डिस्पेंसरी पर आने वाले मरीजों को काफी परेशानी हो रही है और चिकित्सक के न मिलने की वजह से उन्हें परेशानी में ही घर लौटना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए आज शहर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष बलराम शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी को ज्ञापन सौंपा, जिसको लेकर सीएमएचओ के सोनी ने इस चीज के लिए आश्वस्त किया है कि बीके कॉल डिस्पेंसरी पर बैठने वाले चिकित्सक सुबह के समय रामनगर डिस्पेंसरी पर सेवाएं देगी और शाम को बीके कॉल पर जाके बैठेगी, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी नहीं होगी। वहीं चुनाव के बाद स्थायी रूप से चिकित्सक को डिस्पेंसरी पर लगा दिया जाएगा। वहीं कांग्रेसजनों का कहना है कि अगर समस्या का निवारण नहीं हुआ तो हमें अगर अपनी सरकार के विरोध में बैठना पड़े तो हम वह भी करेंगे। हाँ बताइए, क्या मामला था? विगत 40 वर्ष से हमारी लोकप्रिय सरकार कांग्रेस ने जो वहाँ गरीब मजदूर हर वर्ग के लोगों को जो सुविधा डिस्पेंसरी दे के खोल रखी थी, विगत काली मंदिर भाई साहब रोड में विगत 20 दिन से वहाँ ट्रांसफर हो जाने से वहाँ हर तबके के लोग जो असमर्थ स्थिति के थे बहुत दुख पा रहे थे। इस सिलसिले में आज हमने सीएमएचओ को ज्ञापन दिया, जिन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि आने वाले मतलब अब कल से ही जो डॉक्टर वहाँ डिस्पेंसरी में जो बीके कॉल में बैठती हैं वो सुबह वहाँ सेवाएं देंगी, शाम को वहाँ सेवाएं देंगी और उसके बाद में वहाँ जैसे ही ये इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में 27 तारीख के बाद में वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था कर दी जाएगी। इस अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो चाहे हमें अपनी सरकार के विरुद्ध डंका बजाना पड़े, विरोध में बैठना पड़े, तो हम बैठेंगे और वहाँ निश्चित रूप से गरीब लोगों का जो हक है चिकित्सा सुविधा मिलने का उससे उनको वंचित नहीं करेंगे। इसलिए आज हमने इनको चेतावनी भी दे दी है और मंत्री जी के पीए साहब से भी बात हो गई है, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि वहाँ निश्चित रूप से व्यवस्था कर दी जाएगी। आप बोल रहे थे अगर काम नहीं हो रहा तो चूड़ियां पहन के बैठ जाएंगे? हाँ, मैंने ये कहा कि भाई अगर चिकित्सा सुविधा ना मिलने से अगर वहाँ किसी मरीज की मौत होती है तो सीएमएचओ की एक ड्यूटी बनती है कि चीफ मेडिकल ऑफिसर होने के नाते कि वहाँ कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था करके वहाँ डॉक्टर को बैठा ले। तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ऐसी व्यवस्था कर दे रहा हूँ। आपका नाम? बलराम शर्मा, उपाध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी। भाई साहब, आज जो देखिए पूर्व में दो चिकित्सक कर रहे थे, उसमें से एक चिकित्सक का स्थानांतरण हो गया, उसके कारण एक चिकित्सक का शॉर्टनेस होने के कारण एक डिस्पेंसरी के अंदर चिकित्सक उपलब्ध नहीं है।
क्योंकि रामनगर डिस्पेंसरी में पहले दो चिकित्सक कर रहे थे, अभी एक डेंटिस्ट ने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अभी स्थिति को देखते हुए क्योंकि वो पेशेंट्स काफ़ी वहाँ पे हैं और डिस्पेंसरी के अंदर लोड भी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे जो चिकित्सक है रामनगर में उसको पाबंद किया गया है कि वो सुबह वहाँ का ओपीडी देखी और शाम को यहाँ का ओपीडी देखी, ताकि यहाँ की जो पब्लिक है उसको भी राहत मिल सके और साथ साथ वहाँ पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको भी राहत मिल सकते हैं। अभी हाल फिलहाल तक ये व्यवस्था है, जब तक राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव भेज के जो भी वहाँ से अनुमोदन आएगा या जो भी वहाँ से आदेश आएगा उसे पालना सुनिश्चित करके मैक्सिमम राहत देने की कोशिश की जाएगी। सरकार बनाम प्यारेलाल मामले में थानाधिकारी पर कार्रवाई के निर्देश, पुलिस कप्तान को कोर्ट ने दिए कार्रवाई के निर्देश। अक्षय एक्ट संख्या के न्यायाधीश रतनलाल मुंडा ने किशनगंज थाने के थानाधिकारी के खिलाफ 166A के तहत जिला पुलिस कप्तान को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मामला अदालत में सरकार बनाम प्यारेलाल के नाम से विचाराधीन है, जिसमें पूर्व थानाधिकारी विजेंद्र गिल को कोर्ट में कई बार तलब होने के आदेश दे चुकी है, लेकिन इस मामले में वर्तमान थानाधिकारी दिनेश कुमावत की लापरवाही को देखते हुए अदालत ने यह आदेश जारी किए हैं कि इस आदेश के तहत अगर इसमें कोई कार्रवाई होती है तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। अब देखना होगा कि एसपी राष्ट्रदीप अपने थानाधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि पुलिस अधीक्षक का हमेशा ये कहना रहता है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और अब तो कोर्ट में थानाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश पुलिस को दिए हैं। सरकार बनाम प्यारेलाल के नाम से मुकदमा वर्ष 2017 से विचाराधीन है और इसके अंदर लगभग सभी गवाहों के बयान हो चुके हैं और अंतिम गवाह इसके अंदर विजेंद्र सिंह जी गिल, जो किशनगंज थाने के थाना प्रभारी थे, उनके तलवी में चल रहा था और काफ़ी लंबे समय से उनको संबंध कोर्ट के द्वारा भेजे जा रहे थे। जो कोर्ट के संबंध उनको भेजे जा रहे थे वो संबंध अभी वर्तमान में जो थाना प्रभारी हैं वो उनके द्वारा ना तो कोर्ट के अंदर संबंध लौटाए जा रहे थे, ना ही किसी प्रकार की अदम तामील की सूरत के अंदर किसी प्रकार का कागज कोर्ट के अंदर लौट कर आ रहा था। कोर्ट ने इस मामले को बड़ी थानाधिकारी की घोर लापरवाही मानते हुए कोर्ट ने ये आदेश जारी किया कि एसपी साहब को आदेश जारी किया है कि डीओ लेटर के साथ कि क्यों नहीं इनके विरुद्ध कोई 66A की कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो इसमें कौन कौन जी, इन अभी वर्तमान जो थानाधिकारी हैं उनकी नॉलेज में है कि विजेंद्र सिंह गिल, जो पूर्व में तत्कालीन इस थाने पर अधिकारी था, वो एक अन्य प्रकरण के अंदर जेल के अंदर है, उनकी जानकारी में उन्हें होते हुए भी किसी प्रकार का संबंध तामील नहीं उनके द्वारा नहीं कराया जा रहा। उनकी लापरवाही यही है कि कोर्ट का जो अमूल्य प्रतिभूति है, कोर्ट का जो दस्तावेज है, वो उनके पास गया और वो वापस कोर्ट के अंदर अदम तामील के साथ लौटाया नहीं गया। रुपेंद्र कुमार परियार, विशेष लोग अभियोजक, पोक्सो कोर्ट संख्या। ख्वाजा मॉडल स्कूल में कैंसर पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन, मित्तल अस्पताल द्वारा बच्चों को कैंसर के प्रति किया गया जागरूक, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सबा खान रही मुख्य अतिथि। मित्तल अस्पताल में दरगाह कमेटी की ओर से आज ख्वाजा मॉडल स्कूल में कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष सबा खान उपस्थित हुई, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस कार्यशाला के बारे में जानकारी दी और बताया कि आजकल जिस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर फैलता जा रहा है उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए उसको लेकर इस कार्यशाला में जानकारी दी गई। वहीं सबा खान ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर होना इसका मतलब यह नहीं कि सीधी मौत होगी, बल्कि अगर शुरुआत में इसके सिम्टम्स की जानकारी मिल सकती है तो इसका इलाज संभव है, बस इसी चीज़ को जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। जी, खातीन के अंदर जिस्मानी बेदारी को लेकर दरगाह कमेटी और मित्तल हॉस्पिटल की जानिब से आज एक कैंप रखा गया। इसमें डॉक्टर अर्पित ने अपने तजुर्बाती और मशवराती ख्यालों से खातीन को बताया और बताया कि अपनी सेहत के लिए किस उम्र में किस तरह से उसमें बेदार रहना चाहिए, और ये जो मुहिम चल रही है पूरी दुनिया के अंदर चल रही है और उसके अंदर आज अजमेर के हिस्से से हम लोग इसमें शामिल हुए, हमें इस बात की खुशी है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह की बेदारी मुहिम जो है सेहत को लेकर हम जारी रखेंगे। आज मित्तल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर और दरगाह कमेटी की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें महिलाओं और बच्चियों को लेकर के कि महिलाएं और बच्चियां सबका काम करती हैं, बाहर का करती हैं, घर का करती हैं, लेकिन वो खुद पर ध्यान नहीं दे पाती हैं कि उनकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनको अपने किस तरह से केयर करनी चाहिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर है, स्तन कैंसर के नाम से जो है वो एक बीमारी भयंकर रूप, विकराल रूप देती जा रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बीमारी से किस तरह से बचाव किया जा सकता है, या अगर सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं,
क्योंकि लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है कि कैंसर हो गया इसका मतलब मौत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर हमें प्री स्टेज पर पता चल जाता है कि कैंसर है तो हम उसका इलाज भी करवा सकते हैं। कई एग्जाम्पल हमारे सामने हैं कि उनको हुआ, वो इस प्री स्टेज पर अगर उन्होंने अपनी केयर करी तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि उनमें विल पावर भी अच्छा होता है और वो कैंसर से जंग जीत सकते हैं। ये बच्चियाँ चूँकि आने वाले टाइम की महिलाएँ होंगी, इनको भी बहुत ज़रूरी है जानकारी कि किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण होते हैं, किस तरह से उनको बचाव किया जा सकता है। आज ये जानकारी इन सबको देकर के हमें बहुत खुशी हुई है कि किस तरह से इसके बचाव उपचार हो सकते हैं। पार्षद फार्म के नाम पर वसूली करने पर कांग्रेसी हुए हताश, प्रदेश कांग्रेस ने सोहन बिवाड़ा को फटकारा व कहा राशि लौटाओ। जिला प्रभारी घोसाले व जिला अध्यक्ष राठौड़ आज आएंगे ब्यावर। ब्यावर कांग्रेस द्वारा पार्षद फार्म के नाम पर वसूली करने के प्रकरण की शहरवासी आलोचना कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में खड़े होने वाले इच्छुक आवेदकों से ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा द्वारा राशि लेने के मामले ने तूर पकड़ लिया है। ब्यावर कांग्रेस के अध्यक्ष मेवाड़ा की अनैतिक कार्यशाला से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस अजमेर जिला प्रभारी सूर्यज्ञान सिंह घोसाले व कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ गुरुवार की सुबह ब्यावर पहुंचे। जिला प्रभारी घोसाले व कांग्रेस जिला अध्यक्ष राठौड़ वसूली प्रकरण को लेकर डाक बंगले पर सुबह 10 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। पार्षद फार्म के नाम पर वसूली करने के प्रकरण को लेकर पीसीसी महासचिव सुशील शर्मा ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा को फटकार लगाते हुए सभी आवेदकों को राशि पुनः लौटाने को कहा है। इस मामले में उन्होंने देहात जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर से मामले की रिपोर्ट भी मांगी है। इन्होंने इस बात के संकेत भी दिए कि पीसीसी जल्द ही प्रदेश भर में निर्देश जारी करेगी कि कोई भी ब्लॉक अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी आवेदकों से आवेदन के साथ किसी भी प्रकार की कोई राशि न ले। जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुझे निर्देश दिए हैं कि आप जाइए और आप इसकी जानकारी जुटाइए, क्या बात है, कार्यकर्ताओं से भी बात करिए, ब्लॉक अध्यक्ष जी से भी बात करिए, ब्लॉक अध्यक्ष जी से भी बात करूंगा, कार्यकर्ताओं से भी बात करूंगा, और जो भी सामने आएगी हकीकत बात, जो भी जो जानकारी मेरे पास आएगी वो मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास भेज दूंगा। निर्णय करने का और जो भी अधिकार है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को वो करेगी। उनके निर्देश पे मैं आया हूँ, उनके निर्देश पे हम बातचीत करेंगे। ये हमारे जिले के जो प्रभारी हैं सूर्यज्ञान सिंह जी घोसला, ये एक टीम बना के उन्होंने हमें भेजा है, तो बात करेंगे। ये जो बात आई है इस बात को यानी उसी हिसाब से हम जानकारी कर रहे हैं कि भी क्या बात है इसकी। ऐसा है कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जी के सचिव पायलट साहब के निर्देश के अनुसार ये जो नगर परिषद के चुनाव होने को जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के लिए भी और पार्टी को मजबूत करने के लिए, हम एकता कायम करने के लिए जिला अध्यक्ष जी हम आपके बीच में हैं। अब प्रकरण की जो बात है, जैसा कि लोक अध्यक्ष जी ने 1000 रुपये की जो बात है पेपर में छपा, ये सब जगह मीडिया के जो आपने छपाई की है तो सारे एक जगह पूछते हैं। सवाल इस जगह आता है कि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम इच्छा से दे रहे हैं, अब इच्छा से दे रहे हैं तो किसी की पाबंदी नहीं है, इच्छा से तो वो एन एस पार्टी के लिए कुछ भी करें, लेकिन किसी के दबाव में किया हो वो कोई बात हो या अध्यक्ष जी की तो द्वारा कोई पिंच किया हो, सारी हम जानकारी लेकर अध्यक्ष जी हम हाईकमान को देंगे और प्रदेश अध्यक्ष जो भी उनके निर्देश होंगे। 21 अक्टूबर को सोफिया गर्ल्स कॉलेज में होगा एलुमनाई मीट का आयोजन। 60 वर्ष पूरे होने पर कॉलेज में पढ़ चुके विद्यार्थियों को किया जाएगा आमंत्रित। 1959 से लेकर 2019 में सोफिया गर्ल्स कॉलेज ने अपने सफलतापूर्वक 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसी के उपलक्ष्य में आगामी 21 अक्टूबर को सोफिया गर्ल्स कॉलेज में एलुमनाई मीट का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी जानकारी देने के लिए आज कॉलेज प्रचार्य सिस्टर पर्स ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कॉलेज सफलतापूर्वक अपने 60 वर्ष पूरे कर चुका है। इस बीच इस दौरान जिन विद्यार्थियों ने कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की उनके लिए एक एलुमनाई मीट का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें 60 वर्ष के बीच जिन बच्चों ने कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। वह यहाँ पर आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इसके अलावा उनके लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान में कॉलेज में पढ़ रही छात्राओं द्वारा डांस, सिंगिंग, ग्रुप सिंगिंग, ग्रुप डांस, डिबेट ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विद्यार्थी अपने बच्चों के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हैं। कई विद्यार्थी समय IAS, पत्रकार, IAS, लेखक के क्षेत्र में अपना सफलतापूर्वक करियर बना चुके हैं। कॉलेज में वर्तमान में पढ़े विद्यार्थियों को उन्होंने किस प्रकार इस सफलता को हासिल किया उसको लेकर वे जानकारी देंगे। इसके अलावा कई असक्षम बच्चों के लिए वे स्कॉलरशिप देंगे ताकि वे अपने आगे की शिक्षा ले सकें। 21 अक्टूबर को शाम को 5 बजे हम एक एलुमनाई मीट का आयोजन कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि सोफिया कॉलेज को
शुरू हुए वे 60 साल पूरे हो गए हैं। सोफिया कॉलेज 1959 में शुरू हुआ था और 2019 में वो अपने 60 साल का सफ़र पूरा कर रहा है और इसमें हम अपने एल्यूमिनाई जो यहाँ पर पढ़ चुके हैं उनको हम वापस अपने घर बुला रहे हैं और उन्हें सम्मानित करेंगे। हम उनको यहाँ पर बुला के उनके लिए एक प्रोग्राम करेंगे और 1959 से लेकर 2019 के 60 साल के अलग अलग एल्यूमिनाई यहाँ पर आएंगे। हमने उनके लिए कार्यक्रम रखा है, वो भी यहाँ पर आकर कार्यक्रम करेंगे। कोई डांस कर रहा है, कोई गाने ग्रुप सॉन्ग करेगा और वो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कि जब वो पढ़ते थे उन्होंने क्या किया है और अब वो क्या कर रहे हैं। हमारी जो एल्यूमिनाई है, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे एल्यूमिनाई हमारे एम्बेसडर्स हैं। वो बहुत अलग अलग अच्छे पदों पर है और जैसे आईएएस ऑफिसर्स, आरएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, कोई जर्नलिस्ट है, कोई प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, अलग अलग राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, अलग क्षेत्र में हैं और वो बच्चे वापस अपने घर आएंगे इतने सालों बाद। वो अपने दोस्तों से मिलेंगे, गपशप करेंगे, शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस को। उनमें से कई बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, एल्यूमिनाइज हैं, वो स्कॉलरशिप्स देंगे। जो अभी बच्चे हैं जो इतने आर्थिकली संभव नहीं है उनके लिए वो स्कॉलरशिप्स भी देंगे ताकि वो बच्चे आगे होकर पढ़ाई कर सके। और हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे एल्यूमिनाई वापस सोफिया कॉलेज परिसर में इतने सालों बाद आएंगे। हर साल एल्यूमिनाई मीट होता है और वो एक छोटे प्लेटफॉर्म पे होता है जहाँ पर वो सब मिलकर आके सारे एल्यूमिनाई मिलते हैं। बट ये एक स्पेशल एल्यूमिनाई मीट है जो 60 साल के लिए सेलिब्रेशन भी है और 60 साल के एल्यूमिनाई एक साथ मिलकर आएंगे। 18 अक्टूबर यानी कल लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। जिनको रजिस्टर करना है वो ऑनलाइन sofia.college पे वेबसाइट पे एक साइट है, वहाँ पर उसके लिए वो रजिस्टर भी कर सकते हैं या कॉलेज के कैंपस में उनको फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे, वो वहाँ पर भी आके रजिस्टर कर सकते हैं। एल्यूमिनाई भी आ सकते हैं, कुछ अपने परिवारों के साथ आ रहे हैं, कुछ अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं ये दिखाने के लिए कि वो कहाँ पढ़े, क्या किया उन्होंने। और ये बहुत ही नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स है, उनकी बचपन की याद के बहुत सारे मोमेंट्स हैं। तो हम बहुत खुश हैं कि हमारे इस एल्यूमिनाई घर वापस आ रहे हैं। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonin.com। सच के साथ।